आप सभी का आज की इस पत्रकार वार्ता में दिल की गहराइयों से आभार, स्वागत। आप सभी जानते हैं कि पीछे जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें पूर्ण बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस की एक स्थायी सरकार जो है आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी के नेतृत्व में स्थापित हुई। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के एक एक जनमानस का, एक एक वोटर का, हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में एक बारी दोबारा अपना विश्वास जताया और हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाने में सक्षम हो पाए हैं। साथ साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे भरमौर विधानसभा क्षेत्र के जो 25,000 मतदाता हैं, जिन्होंने आदरणीय श्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे भरमौर विधानसभा हलके से, उन्हें अपने वोट दिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से उन सभी मतदाताओं से ये कहना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई निरंतर, हम लोग जिस प्रकार से पिछले 50 वर्षों से भरमौरी साहब लड़ते आए हैं, हम लड़ते आए हैं, उसी प्रकार से आगे भी आपकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आपकी आवाज को प्रमुखता के साथ जो है प्रदेश सरकार के समक्ष रखेंगे भी, उठाएंगे भी। आज के जो कुछ मुख्य बिंदु हैं, आप आज जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 100 दिन आज पूरे हुए हैं। सुख की सरकार जिसे हम कहते हैं, सुख की सरकार जिसे हिमाचल प्रदेश की जनता कह रही है, उस सरकार के 100 दिन आज पूरे हुए हैं। और इन 100 दिनों में आम जनमानस से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं प्रदेश सरकार ने जनता के हित में लिए हैं। उन सभी निर्णयों का हिमाचल प्रदेश की जनता आज स्वागत कर रही है, हम उन निर्णयों का स्वागत करते हैं। 10 गारंटियों की बात आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने चुनावों से पहले की थी। कांग्रेस ने इस पारी चुनावी घोषणा पत्र चुनावों के दौरान जारी ना करके 10 गारंटी जो है हिमाचल प्रदेश की आम जनमानस को दी थी। उन गारंटियों की तरफ, उनको पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं सरकार ने। और सबसे जो एक ज्वलंत मांग थी हिमाचल प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों की, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और उनके कैबिनेट को, हिमाचल प्रदेश की सरकार को, कि उन्होंने ओपीएस जो है पूरी तरह से लागू कर दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके लिए मैं सभी जो एम्प्लॉय वर्ग हिमाचल प्रदेश के, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ महिला सुरक्षा पेंशन की हमने बात की थी, 1500 रुपये प्रतिमाह जो है महिलाओं को देने की बात हम लोगों ने की थी। उस दिशा में भी जो है सुख की सरकार ने कदम बढ़ाए हैं और एक सेट क्राइटेरिया के तहत 2,31,000 महिलाओं को जो है वो जो वेतन है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और जो ओपीएस से लाभान्वित हुए कर्मचारी, लगभग 1,36,000 कर्मचारी जो है इससे लाभान्वित हुए हैं। हाल ही में आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व आदरणीय सुखविंदर सिंह सुखू जी ने हिमाचल सरकार का, इस सरकार का जो है बजट पेश किया है, जिसे हम लोग ग्रीन बजट 2023-2024 कह रहे हैं। और पूरे प्रदेश की जनता ने इस बजट को सराहा है, हम भी इस बजट का समर्थन भी करते हैं और इसको सराहते भी हैं। बहुत से अहम निर्णय जो हैं इस बजट में जो हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा और प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा लिए गए। इसका जो प्रारूप है, जो आउटले है इस बजट का, वो लगभग 53,413 करोड़ रुपए का है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये ग्रीन बजट है 2023-24 के लिए। इसमें मुख्यतः एक ड्रग फ्री कैंपेन जो है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश को आप जानते हैं आज हमारी युवा पीढ़ी जो है नशे से जूझ रही है,
तो पूरे प्रदेश को जो है ड्रग फ्री बनाने के लिए कैंपेन जो है सुखू सरकार ने लॉन्च किया है। प्रदेश को मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की शुरुआत जो है हम लोगों ने की है। हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी को प्रोत्साहन देने के लिए कई स्कीम्स जो है सुखी सरकार इस बार लाई है। और ग्रीन स्टेट जो कि हम लोगों का एक कांग्रेस सरकार का एक विजन है, वो सपना जो है 31 मार्च 2026 से पहले हम लोग चाहते हैं कि इस माध्यम से, चाहे वो हाइड्रो पावर है चाहे सोलर एनर्जी है, उस माध्यम से जो है उसको अचीव करने की कोशिश जो है ग्रीन स्टेट के हमारे विजन को अचीव करने की कोशिश है। और ये टारगेट है हमारा कि 31 मार्च 2026 तक जो है हिमाचल प्रदेश जो है ग्रीन स्टेट के रूप में ऊपर करके सामने आए। इसमें हमने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर के आई है और इस बार ही विशेष रूप से जो है ग्रीन कॉरिडोर्स का जो है प्रावधान हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है टू रिड्यूस द एमिशंस, पॉल्यूशन फ्री हमारा स्टेट बन सके टूरिज्म की दृष्टि से। यह भी निर्णय सुखू सरकार ने लिया है। 1500 जो डीजल बसेस है हमारी उनको रिप्लेस करके 1500 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बसेस जो है उनको लाने का प्रावधान किया गया है। और विशेष सब्सिडी एक फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 50% सब्सिडी जो है वो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को भी देने की यहाँ बात की है, ताकि प्रोत्साहित कर सके हम लोग उनको और प्रेरित कर सके ताकि वो इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ स्विच कर सके। और यूथ को जो है हिमाचल प्रदेश के अगर चार्जिंग स्टेशन वो लोग सेटअप करना चाहते हैं इसी दृष्टिकोण से तो उस पर भी 50% सब्सिडी देने का जो है वायदा सुखू सरकार ने यहाँ किया है। टूरिज्म की दृष्टि से अगर आप लोग देखेंगे तो कांगड़ा जिला को और कांगड़ा को विशेष तौर पे हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म कैपिटल के रूप में हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं। इसमें जो है 400 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए उसके विस्तारीकरण के लिए यहाँ प्रपोज किया गया है। मंडी का जो एयरपोर्ट जो कि पिछली जयराम सरकार का एक विजन था, उनका एक सपना था जिसे वो उस दृष्टि से कुछ भी वो लोग कर नहीं पाए पिछले पूरे 5 साल में, सुखू जी ने इस बार 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है मंडी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए किया है। इसके अलावा नई टाउनशिप्स बनाने की हम लोगों ने बात की है शिमला जिला के अंदर, जैसे कि 1350 करोड़ रुपए से एक टाउनशिप बनाने की घोषणा भी सुखू सरकार ने यहाँ किया है। एजुकेशन की दृष्टि से भी बहुत अहम निर्णय जो है इस बजट के अंदर लिए गए हैं। सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में हम लोगों ने लाइब्रेरी का प्रावधान करने की बात की है। जो 10,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको टैबलेट्स देने की बात यहां की गई है। 300 करोड़ रुपए का प्रावधान हर एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक मॉडल स्कूल खोलने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर किया गया है। एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से 30,000 नई पोस्ट जो है उनको फिलअप किया जाएगा। फिशरीज में जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साधन जनरेट किए जाएंगे। मनरेगा की दिहाड़ी आप लोग जानते हैं 212 रुपए से बढ़ाकर के 240 रुपए कर दी गई है, और ट्राइबल एरियाज के अंदर यही दिहाड़ी 266 रुपए थी पहले, अब 294 रुपए से कर दिया गया। डेली वेजेस 350 से 375 रुपए कर दिए गए हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हैं, हेल्पर्स हैं, उनके ऑनरेरियम की बात थी। पंचायती राज संस्थाओं के जो हमारे मेंबर्स हैं उनके ऑनरेरियम की बात थी। वाटर कैरियर्स के ऑनरेरियम की बात थी। मिड डे मील वर्कर्स हैं और जल शक्ति के जो वर्कर्स हैं जल शक्ति विभाग के उनके ऑनरेरियम की बात की गई है। और वेमेन एम्पावरमेंट की बात जो है इस बजट में स्ट्रांगली की गई है। सामाजिक सुरक्षा की बात इस बजट पे की गई है और एग्रीकल्चर की दृष्टि से कई सारी सब्सिडीज का प्रबंध जो है सुखू सरकार ने यहाँ किया है। और जो बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे 2% पे लगभग जो है किसानों को लोन देने की बात यहाँ की गई है। हेल्थ की दृष्टि से आप लोग देखेंगे तो रोबोटिक सर्जरीज 6 मेडिकल कॉलेजेस में शुरू करने की बात की गई। एक मॉडल हेल्थ इंस्टीट्यूशन हर एक विधानसभा क्षेत्र में खोलने की बात हम लोगों ने की है। पेट स्कैन फैसिलिटीज
इन ऑल मेडिकल कॉलेज, सभी मेडिकल कॉलेजेस में पेट स्कैन फैसिलिटी, आप सभी जानते हैं पेट स्कैन पे बहुत सारा खर्चा होता है और ये मशीनें हर जगह उपलब्ध नहीं है। इन पेट स्कैन मशीनों का प्रावधान किया गया है और ये फैसिलिटी देने का हर मेडिकल कॉलेज में प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेजेस इन मेडिकल कॉलेजेस इन चंबा, नाहन एंड हमीरपुर, इसकी बात हम लोगों ने की है। रेवेन्यू जनरेट करने की दृष्टि से हर एक लिकर बॉटल पे 10 रुपए काउसेस लगाने की बात यहां पर की गई है, जिससे लगभग 100 करोड़ रेवेन्यू जो है पर एनम जो है पैदा होगा। एमएलए डिस्क्रिशनरी ग्रांट को यहां बढ़ाया गया है, एमएलए निधि को जो है वो जो विधायक निधि होती है उसको बढ़ा करके 2 करोड़ से 2 करोड़ 10 लाख रुपया किया गया है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि पीछे अपने विधानसभा क्षेत्र की मैं आपसे बात करना चाहता हूं, पीछे 2 पुल्स जो हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में डैमेज हुए, एक लूना ब्रिज था और एक चोली का पुल था। और मैं बधाई देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय हमारे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी को, कि रिकॉर्ड समय में वो पुल बन करके तैयार हुए दोबारा और उनका विधिवत इनॉग्रेशन जो है आदरणीय सुखविंदर सिंह सुखू जी ने और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री विक्रमादित्य सिंह जी ने भरवारी साहब की उपस्थिति में ऑनलाइन किया। जाहिर है कि सरकार कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के हैं और भरवारी साहब जो है वो ऑफिशियल कैंडिडेट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के भरमौर विधानसभा हल्के से, तो इनॉग्रेशन तो उन्हीं ने करनी थी। जिसकी सरकार होती है इनॉग्रेशन यूजुअली सरकारें ही करती हैं। तो पीछे मैं हमारे विधायक साहब का बयान सुन रहा था, अपने सोशल मीडिया हैंडल से वो लाइव हुए और उन्हें पता नहीं किस बात की तकलीफ हो गई, आप तो पहली मर्तबा विधायक बने हैं, भरमौरी साहब 5 मर्तबा के विधायक हैं और एक बहुत ही लंबा अनुभव जो है राजनीति के क्षेत्र के अंदर उनका है। लगभग 11 विधानसभा के चुनाव भरमौरी साहब ने लड़े और कई वर्षों तक जो है कुशल नेतृत्व भरमौर विधानसभा क्षेत्र का किया। अब हमारे विधायक साहब बयान दे रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को 2 बारी जनता ने नकार दिया उस व्यक्ति से जो है पुल का उद्घाटन करा दिया, इन्हें केवल अपनी पटिकाएं लगाने का शौक है। भाई पटिकाएं तो सरकार के नुमाइंदों के लगेंगी, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स की लगेंगी, लेकिन मैं विधायक साहब से पूछना चाहता हूं क्या उस पटिका पे ठाकुर सिंह भरवारी जी का नाम था? नहीं था। तो आप ये किस आधार पे कह सकते हैं कि हमें अपना नाम चिपकाने का शौक है? अगर आपने हमारा नाम ही देखना है तो पिछले 50 वर्षों में और जब जब भरवारी साहब ने 5 मर्तबा नेतृत्व किया इस विधानसभा क्षेत्र का, उनकी अनगिनत पट्टिकाएं जो है इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगी हैं डेवलपमेंट वर्क्स के अगेंस्ट, चाहे वो फाउंडेशन स्टोन्स थे, चाहे वो इनॉग्रेशन थी। और मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, आपकी सरकार ने तो पिछले 5 साल उन पट्टिकाओं को हटाने का काम किया। जिन स्कीम्स का हमने उद्घाटन शिलान्यास फाउंडेशन स्टोन किया था उनका आपकी पिछली सरकार में दोबारा उन्हीं स्कीम्स का भरवारी साहब की केवल पट्टिकाएं हटाने के लिए उन्हीं स्कीम्स को आपने दोबारा इनॉग्रेट किया, उन्हीं स्कीम्स का आपने दोबारा फाउंडेशन स्टोन किया। क्या वो चीजें आपको समझ में नहीं आती, वो चीजें आपको नजर नहीं आ रही? पता नहीं किस बात का अहंकार हमारे विधायक साहब को हो गया, ये तो पहली बार तब आप ही विधायक बन गए। मुझे लगता है उन्हें ये एमएलएशिप हजम नहीं हो रही, इतनी पावर हजम नहीं हो रही। फिर वो कह रहे थे कि फेसबुक की राजनीति हम लोग करते हैं। उनका ये बयान मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि किसी भी कांग्रेस के नुमाइंदे ने वहां आकर के पुल पर आकर के सुध नहीं ली, लोगों की सुध नहीं ली। भाई अगर कहीं किसी क्षेत्र में पुल डैमेज हुआ है तो वहां तो सरकारी तंत्र ही लगेगा, विधायक साहब अपनी जेब से पैसा दे करके तो उस पुल को बना करके तैयार नहीं कर रहे। अगर श्रेय ही लेने की बात होती तो भरवारी साहब जबरदस्ती लड़के वहां अपना नाम लगवाते।
अगर श्रेय लेने की बात होती है मौके पे जाके आपकी तरह फोटो आपकी राजनीति करते वहां, पर हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते, हम केवल काम करने में विश्वास करते हैं। एक रिकॉर्ड समय में परवारी साहब के निर्देशों के अनुसार, आदरणीय विक्रमादित्य जी के निर्देशों के अनुसार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार वो पुल वहां बनकर के तैयार हुआ है। तो मैं याद दिला देना चाहता हूं डॉक्टर साहब को, उनको शायद ये आभास नहीं हो पा रहा है कि सरकार उनकी अभी नहीं है, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि वो विपक्ष के विधायक हैं। तो आप केवल तनख्वाह लीजिए ना सरकार से, इलाके की तरक्की आप सरकार पे छोड़िए, हम पे छोड़िए, हम तो करते आए कई वर्षों से। आप अपनी भागे आपने सुजेशंस दीजिए, आपको जहां लगता है हम लोग गलत है आप बताइए। और आप पर्सनल प्रहार किसी पे करेंगे, जिस नेता ने 50 वर्षों तक एक विधानसभा क्षेत्र की सेवा की है उस पर आप बार बार व्यक्तिगत तौर पे हमला करेंगे, ये बात मैं समझता हूं अच्छी नहीं है। हम लोगों ने कभी ऐसी राजनीति की, कभी पर्सनल अटैक किसी पे नहीं किया, लेकिन वो हमेशा पर्सनल एजेंडा पे आ जाते हैं हमेशा कि दो बार ही नकार दिया जनता ने, हम लोग इन्हें बताएंगे। भैया आप क्या बताएंगे, आपसे किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें, आपको जिस काम के लिए जनता ने चुना है आप उसको हमको अंजाम दीजिए। भरवारी साहब की चिंता वो ना करें, हमारी राजनीति शुरू या खत्म होने की चिंता वो ना करें, वो हमें देखना है, वो कांग्रेस पार्टी को देखना है, वो केवल जिस काम के लिए जनता ने उन्हें चुना है उस काम पे वो ध्यान दें। लेकिन वो तो खुद ही कंफ्यूज है, काम पे ध्यान कैसे देंगे। पहले जब डॉक्टरी पेशे में थे तो कह रहे थे कि राजनीति में मौका दे, अब जब राजनीति में जनता ने चुन करके विधायक बना दिया तो अब कह रहे वापस ऑपरेशन करने की परमिशन दे। भाई एक माइंड तो सेट कर ले डॉक्टर साहब, आप करना क्या चाहते हैं, आप डॉक्टरी करना चाहते हैं, आप राजनीति करना चाहते हैं, या आप राजनीति में आकर के डॉक्टरी करना चाहते हैं, या आप डॉक्टरी में राजनीति करना चाहते हैं। एक स्टेबिलिटी लाइए, पहले अपना माइंड सेट तो क्लियर कीजिए, दूसरों पे छींटाकशी करने से पहले अपना स्टैंड तो क्लियर रखिए। हमें कहते हैं इन्होंने पता नहीं बेनामी संपत्ति अर्जित कर ली, भाई हमने 5 वर्षों में नहीं कही है, ओवर अ पीरियड ऑफ 50 इयर्स कि हमने इतनी इतनी रजिस्ट्रियां हैं इनके नाम पे। भैया 3 कमाने वाले हमारे परिवार में, मेरी माताजी क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर रिटायर्ड, मेरे पिताजी 5 बारी के विधायक, एग्रीकल्चरिस्ट हम लोग हैं, मैं 2006 से बिजनेस में हूं। आप ये बताइए कि आपके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी आ गई कि आपने धर्मशाला में संपत्तियां खरीद ली, आपका अस्पताल बन करके इतनी जल्दी तैयार हो गया। वी हैव डन इट ओवर अ पीरियड ऑफ 50 इयर्स, एंड व्हाट वी हैव डन ओवर अ पीरियड ऑफ 50 इयर्स आपने तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो कर लिया। मुझे लगता है एक कहावत है हिंदी में कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, भाई जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं दूसरे को तो कम से कम पत्थर ना मारे। तो ध्यान रखें इस बात को, और मैं चेतावनी देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, पब्लिकली आई एम सेइंग दिस, ये पर्सनल एजेंडा इससे बाहर आए, पर्सनल प्रहार किसी भी नेता पे, और खास करके जो आप मैं तो समझता हूँ आपका तो लेवल ही नहीं हुआ अभी कि आप भरमौरी साहब पे इस तरह की छींटाकशी कर सके, और मुझे लगता है वो लेवल आप अचीव भी नहीं कर पाएंगे। 11 इलेक्शंस इज समथिंग, आप कहते हैं आपको फेसबुक पे जगह नहीं बनानी, आपको जनता के दिलों में जगह बनानी है, जनता के दिलों में अगर जगह किसी व्यक्ति ने बनाई है वो व्यक्ति ठाकुर सिंह भरमौरी है, जिन्होंने इतनी लंबी पारी राजनीति के अंदर खेली है, 55 वर्ष लगभग, 11 इलेक्शंस। तो बिना जनता के दिल में घर बनाए इतनी लंबी पारी कोई व्यक्ति राजनीति में खेल नहीं सकता। अभी तो देखेंगे, अभी तो इट्स टू प्रीमैच्योर टू से एनीथिंग, और मैं तो विशेष तौर पे ये समझता हूं कि किसी की पर्सनल लाइफ में हमें कमेंट करने का कोई अधिकार ही नहीं है। व्हाई शुड आई इवन ट्रेसपास समबडीज पर्सनल लाइफ, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, हमारे परिवार के संस्कार ऐसे नहीं है।
लेकिन एक उद्घाटन क्या हो गया, एक सरकार ने उद्घाटन क्या कर दिया, उसी बात की तकलीफ इन्हें होना शुरू हो गई। इन्हें लगा क्या पता सरकार के बाहर है, अब कौन और लीडर पैदा हो जाएंगे, यहाँ इन लोगों की राजनीति शायद खत्म हो गई है। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, राजनीति एक व्यक्ति की तभी खत्म होती है जब वो व्यक्ति खुद चाहे। जब हमें लगेगा हमें राजनीति से एग्जिट करना है तो हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने नहीं आना होगा, हम खुद एग्जिट कर लेंगे। पर हम करें क्यों? क्योंकि हमारा ध्येय है, हम वचनबद्ध है जनता की तरक्की के लिए, भरमौर विधानसभा क्षेत्र की तरक्की के लिए। इतना योगदान मैं समझता हूं 90% योगदान जो है वो भरमौरी साहब का है। फिर आप कहते हैं हम फेसबुक की राजनीति करते हैं। एक आप जानते हैं पीछे एक पेशेंट को एयरलिफ्ट कराया गया पांगी से, कराया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, कराया कांग्रेस की सरकार ने, कराया ठाकुर सिंह भरमौरी जी ने रिक्वेस्ट करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। और हमारे एमएलए साहब सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डालते हैं कि मैंने उसे एयरलिफ्ट कराया और उसका उपचार जो है शिमला मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जबकि उपचार चल रहा था टांडा में। तो इस बात से स्पष्ट होता कि फेसबुक की राजनीति कर कौन रहा है। तो हमें ना समझाएं कि कब फेसबुक की राजनीति करनी और कब नहीं करनी, हम इन चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं। हम जनता का काम करने में विश्वास रखते हैं, फोटो खिंचवाने में नहीं। और इसके अलावा भरमौर विधानसभा क्षेत्र की तरक्की के लिए और तीनों जोन्स जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं, पांगी है, गैर जनजाति क्षेत्र है और हमारा भरमौर का ट्राइबल एरिया है, इलाके की तरक्की के लिए हम लोग वचनबद्ध है। हम सरकार में है नहीं है, हम निरंतर जो है क्षेत्र की लड़ाई इसी तरह से लड़ते रहेंगे जिस तरह से लड़ते आए हैं। और टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, आपने अपना कीमती समय निकाल करके आज यहाँ मेरी बात सुनने को आप लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार, दिल की गहराइयों से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस।